हेलो बच्चों, ध्यान से सुनो। BHU 2023 की एडमिशन प्रोसेस अब शुरू हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुकी है। मैं बहुत सिंपली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस कोर्स के लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट रखने पड़ेंगे। बहुत सिंपल है, दो मिनट में आपके डाउट क्लियर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जान लो कि भैया आपको अगर CUET की तैयारी करनी है, DU, JNU, BHU, AMU, जामिया किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो हमारे पास CUET के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपकी A to Z पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, सब कुछ। ओके, वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, सीरीज, ई-बुक, डाउट सॉल्विंग सेशन, इंटर्नशिप, सब कुछ। तो अगर आपको हमारी क्लास को ज्वाइन करना है, कोर्स को ज्वाइन करना है, तो देर मत करो। बहुत बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो व्हाट्सएप नंबर हमारी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कमेंट्स में पिन है। मैं खुद तुम्हें पर्सनली वहां पे हेल्प करने वाला हूं, खुद उस कोर्स में पर्सनली तुम्हें मेंटरशिप देने वाला हूं। तो ऐसी कोर्स तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। व्हाट्सएप नंबर गिवन है, हमें व्हाट्सएप करो, हम आपको कंप्लीट कोर्स की डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। ओके, चलो अब ध्यान से सुनो। BHU बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, BHU के लिए लाखों बच्चे अप्लाई करेंगे। आफ्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU के लिए ज्यादातर बच्चे सोचते हैं CUET के अंदर। अब BHU में BA, BCom, BSc, BTech, BLLB तरीके की सब तरीके की कोर्सेज यहां पे होती है। मेनली जितने भी कोर्स है, ये सारे कोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आपको BHU से BA करना है ना, तो बहुत सिंपल है। यहां पर आपको किसी भी डोमेन की जरूरत नहीं है, केवल एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट का पेपर आपको देना है। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे कोर्स में केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी नहीं है, क्योंकि हमारी कोर्स एक इंग्लिश मीडियम कोर्स है। तो इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट अगर आप रखते हो, तो BHU ही नहीं, उसके साथ साथ अदर यूनिवर्सिटी जैसे JNU में भी एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन हिंदी के साथ यह नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको BHU से BCom करना है, तो BCom करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जनरल टेस्ट, ओके। लैंग्वेज की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक लैंग्वेज रख लेना और एक और डोमेन रख लेना, ताकि DU, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे इस यूनिवर्सिटी से भी तुम एलिजिबल हो जाओ। उसके बाद आती है तुम्हारी BSc के कोर्सेज। अब BSc जैसे बायोलॉजी हो गई, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पेपर आपको देना पड़ेगा, केवल यही पेपर। जनरल टेस्ट, लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको BSc मैथमेटिक्स का पेपर देना है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पेपर देना पड़ेगा। अगेन आपकी लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और यदि अगर आपको बीटेक करना है, तो उसके लिए भी बहुत सिंपल है, आपको केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का ही पेपर देना पड़ेगा। और या फिर अगर आपको BSc एग्रीकल्चर करना है, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एग्रीकल्चर दे करके भी एडमिशन ले सकते हो BSc एग्रीकल्चर में। ओके, तो ये रहेगी पूरी की पूरी प्रोसेस। और इसके साथ अगर आपको BA LLB करना है BHU से, जो कि बहुत फेमस है, तो उसके लिए केवल आपको एक लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, एक लीगल स्टडी का डोमेन पेपर अगर आपके 12th में नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो। लीगल स्टडी और एक जनरल टेस्ट, ये तीन पेपर आपको केवल देना पड़ेगा BHU BA LLB के लिए। ये रहेगी आपकी BHU की कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। कुछ दिनों बाद BHU अपनी खुद की फॉर्म रिलीज करेगी, तो आपको उस फॉर्म को फिल करना है। एंड उसके बाद CUET में ये सारे पेपर देके आने हैं, जो भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसमें आपकी जितनी स्कोर आएगी और आप जो फॉर्म फिल करोगे BHU के लिए, दोनों को समअप कर दिया जाएगा, और जितना स्कोर आएगा उसके हिसाब से आपको BHU में कॉलेज अलॉट किया जाएगा। दैट्स इट, यही रहने वाली है कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस BHU के लिए। कोई भी इसमें ज्यादा मतलब बहुत हवा बनाने वाली चीज नहीं है, इतना डरने वाली चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कोई भी दिक्कत आएगी, तुम्हारे भैया बैठे हैं, डोंट वरी। अभी मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूं, इसीलिए वीडियोस बनाने में दिक्कतें आ रही है, नहीं तो तुम्हारा पता है तुम्हारे भैया कितने स्पीड में वीडियोस देते हैं तुम्हें, है ना। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।